अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक है, हैरियत से हैं, उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी हैरियत से हूँ, खुश हूँ, ठीक हूँ। तो जी मैंने सोचा कि आज एक डिलिशियस सी स्पाइसी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। जी तो ये मैं जानती हूँ कि ये सबकी फेवरेट है। इससे तो मैं कहती हूँ कि कोई भी नहीं कह सकता कि जी हमें नहीं पसंद, ये तो कोई भी नहीं कह सकता हमें नहीं खाना। ये तो किसी भी टाइम पर, किसी भी मौके पर, मैं कहती हूँ एक गोलगप्पे और एक चली, ओह हो, ये तो ऐसी चीज़ है कि ये इसे इनकार हो ही नहीं सकता। चाहे चली कैसी भी हो, किसी भी तरह से बनी हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि उसे इनकार नहीं हो सकता। तो जी सर्दियाँ आ रही हैं, तो इसी वजह से मैंने कहा कि ये ना, मैं कॉर्न सूप मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, और मैंने कहा कि चलो इसके लिए मैं कॉर्न कुछ बॉयल करके भी रख लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो इसमें से थोड़ी सी जो है ना, उसका थोड़ा सा चस्का चस्का ही हो जाए। मुँह में पानी आ रहा था ना बनाते वक्त, तो मैंने कहा कि क्यों ना थोड़ी सी जो है ना वो ऐसे खा लिया जाए। तो इस वजह से मैंने तो हेरिन को ना जल्दी जल्दी में सबर नहीं हो रहा था, तो मैंने तो प्रेशर कुकर लगा के मैंने इसको 2 घंटे जो इंसानी वो मैंने इसको अच्छी तरह से बार बार पकाया। 2 घंटे के लिए एकदम से तो नहीं लगाया, मैंने बार बार अंदर से चेक करती रही हूँ, देखती रही हूँ कि कैसा है कैसा। फिर थोड़ा पानी कम होता था, फिर थोड़ा सा ऐड कर लेती थी, लेकिन इसको अच्छी तरह से ना मैंने बॉयल कर लिया और दरमियान से सीड्स इसलिए निकाले थे कि ताकि ना इसकी जो कॉर्न है ना वो अच्छी तरह से फूल जाए, क्योंकि अच्छी और पकी हुई जो कॉर्न है ना उसी का ज़्यादा मज़ा आता है। ये जो कच्ची कच्ची सी होती है ना, इसका कोई मज़ा नहीं आता, कि बाद में आपको मसला भी करती है, पेट में दर्द करती है। इस वजह से बेहतर है कि आप इसको पहले ही अच्छी तरह से पका लें। तो इसके लिए प्रेशर कुकर लगाएं, 2-3 दफ़ा बस देखें, और उतने में ये अच्छी तरह से जो है ना ये पक जाती है। और मैंने इसके साथ ना इमली की और हुमानी की जो है ना ये मैंने चटनी बनाई हुई थी, तो मैंने कहा कि ये इसके साथ ही ना मैं इसको इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ वो नमक मिर्च वाली मसाले वाली है वो भी पसंद है, लेकिन बस सारी पसंद है, सारी तरह की पसंद है, ठीक है। तो ये फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि ये ना एक स्कूल की कॉलेज की एक ना वाइब्स आ रही थी, बड़े मज़े मज़े की खाए, वो यादें स्कूल से छुट्टी के टाइम पे हैं, हम सारे दोस्तों का एक ग्रुप बना के चलो ये चिल्ली खानी है, ज़रूर खानी है, और कुछ ना हो इसके लिए पैसे ज़रूर बचा के रखते थे कि हमें चिल्ली खानी है भाई। तो इस वजह से तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी को जो ना इन्जॉय करती, और क्यों ना साथ साथ आपके साथ भी शेयर कर दी जाए। और बाकी उसके साथ साथ फिर मैंने आज अल्लाह की जी कुदरत है जी, खूबसूरत खूबसूरत सी प्यारी प्यारी सी वेजेस लेके आई। तो मैंने कहा ये जो कलरफुल है इनका तो एक अलग से ही अल्लाह ताला ने देखो, एक ये तो किसी से किसी को ये कोई कह ही नहीं सकता कि ये जिन्ना बनी हूँ। तो कोई भी जब समझ रहा ना अरे आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, यार मेरे साथ तो हर वक्त यही चलता है आज क्या पकाऊँ। मैं अपने हस्बैंड से पूछ दूँ आज क्या पकाऊँ, कहेंगे जो दिल है पका लो। मैंने कहा मेरा दिल तो कभी नहीं हुआ कुछ पकाने का, लेकिन आप ही बता दें। तो जब ना समझ आ रही हो ना, फिर या दाल चावल बना लें, या चने चावल बना लें, या फिर कोई सब्जी बना लें। और सब्जी में फिर जब सर्दियाँ होती हैं, तो सर्दियों में ये सब्जियाँ प्यारी प्यारी जो होती है ना, इनमें सिर्फ आलू मटर गाजरों का ही नाम आता है बार बार ना। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आलू मटर गाजर ही बना लेती हूँ। तो फिर मैंने इसी तरह से फटाफट से जल्दी जल्दी से, कुछ ऐसे भी होते ना कुछ काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनमें ना आपको समझ नहीं हो रही होती कि आपने और भी बड़े काम करने हैं, बेबी भी सोया हुआ है, और बेबी के सोने से पहले पहले आपने हर काम खत्म करना होता है। तो भाई मैं तो ना फटाफट से सारा मसाला जो ना वो चॉप किया हुआ डाल लेती हूँ। 100 ही मैंने ना अदरक लहसुन और प्याज टमाटर मैंने ना इसको अच्छी तरह से जो है ना मैंने चॉप कर लिया, ठीक है, चॉपर में, हैंड चॉपर में मैंने करके तो मैंने उसको अच्छी तरह से भून लिया, उसमें मसाले वगैरह ऐड कर दिए। तो मैंने कहा भाई इतना रोला करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो ये उसमें फिर मैंने हल्दी ऐड करके, हल्दी ऐड करने के बाद फिर मैंने कहा कि चलो इसको थोड़ी देर से भून लिया जाए। भूनने के बाद फिर मैंने ना उसमें सारी सब्जियां जनाब जी ऐड कर दी। ये ग्रीन चिली तो मेरी फेवरेट है, बहुत फेवरेट है मेरी ना, मुझे बहुत पसंद है ये स्पाइस में ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो सारे मसाले मसूले भी अंदर डाल दो, भुनाइयाँ भुनाइयाँ कर करके, तो इकट्ठा ही सारा कुछ जो है ना वो रख दो, ताकि ये कि ना बार बार टेंशन रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना। जल्दी जल्दी काम करने का यही तो तरीका है कि जल्दी जल्दी काम कर लो, और आपका टेस्ट भी अच्छा हो। ये नहीं कि आपका टेस्ट अच्छा ना हो तो आप बस कर लो, जायका भी अच्छा होना चाहिए, और इसमें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं करनी पड़ती हैं, ये सब्ज़ी फटाफट से बन जाती है। तो इसमें सारी सब्जियाँ ऐड कर दो, ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद इसको बंद कर दो। तो उतनी देर में भाई जी हमने और भी बड़े काम है, ये इसी वीडियो जो है ना ये हाँ उन लड़कियों के लिए जो जल्दी जल्दी से हर काम करना चाहती हैं, जिनको मतलब होता है ना कि भाई जिसमें काम इतनी जोर में ना लगे। तो जी मैंने कहा कि बड़ी फरमाइश थी मेरी कुछ बहनें और कुछ सहेलियाँ जिड़ियाँ स्मार्टियाँ स्मार्टियाँ मेरी सहेलियाँ ने कह दी बाजी इतना जोर नहीं लगता है, आटे गुन्नने में बड़ा मसला होता है। मैं भाई मेरे साथ भी मसला होता है, जिनके हाथों पर नेल्स भी लंबे हों और नेल्स रखने भी हों और नेल्स के शौकीन भी हों। तो जी उस वजह से वो फिर मैंने कहा कि चलो जी मैं आपको आसान तरीका बता देती हूँ, है मोस्टली ऐसे ही होता होगा वैसे भी, लेकिन ना मैंने कहा चलो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी, मैं पास किस किस को बुलाऊँ, क्या जी आओ जी ऐसे कर लो ऐसे कर लो। आटा लिया, आटा जितना मर्जी अपनी मर्जी से क्वांटिटी है, तरीका सेम ही है भाई। आटा ले लो, आटे को लेकर अच्छी तरह से उसको भिगो ओके ना, तो उसको एक दो जो है ना वो पंच मार लो, ठीक है, एक दो पंच के साथ उसको गूंद लो, और उसको फिर उसके बाद थोड़ा सा वतर शतर लगा के उसको ठीक ठाक करके साफ सुथरा करके उसको रख दो। तो जी ये इसमें हाथों का भी इतना जोर नहीं लगता, आपके नेल्स की भी बचत हो जाती है, ठीक है। और एक हाथ के मेरे नेल्स थोड़े बड़े होते हैं और एक हाथ के मैंने बहुत छोटे रखे होते हैं, और बहुत छोटे वो इस वजह से क्योंकि मैंने अपने बच्चे को खाना चाना भी खिलाना होता है, और इस वजह से तो है जी फैशन का फैशन भी हो जाता है और काम का काम भी हो जाता है। तो आटे को जी मैंने बस इसी तरह से भिगो के आपके सामने मैंने रख दिया, और धीरे धीरे हंडिया में चमचे चमचा हिला लिया, मैंने कहा चलो जी इसको भी देख लेते हैं। तो 5 मिनट गुजरने के बाद मैंने अपनी सब्जी देखी, और वाह क्या खुशबू आ रही है भाई,
कि तो खाने में भी बड़ा मजा आएगा। ओए भाई हमारा काम है पकाते पकाते यार आधी आधी जो है ना वो हड्डियां खा जाते हैं, ठीक है ना। मैं तो पकाते पकाते चेक करते करते ही मैं सारी खा जाती हूँ। हेलो जी, उतनी देर में हमने अपना आटा चटा चेक किया, मैंने कहा वाह ये तो मजा ही हो गया, ये तो बड़ा फिट हो गया, ये सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया ये ना, देखो एक हाथ से पंच करते करते बड़े मजे के साथ जी ये दो तीन पंच मारे और आराम सुकून के साथ जी इसकी अच्छे से इसकी डो तैयार हो जाती है, जरा सा भी नहीं जोर लगता, जरा सा भी नहीं है, लो जी ये बस रेडी हो गया। वो कितने गए जमाने, कितने की वो चीज़ है जी, जोर ला ला के अपने ऐ शोल्डर शोल्डर तुम एवं थका देंगे हो बस जी, बड़ी अच्छी इसकी हस्ता रोटी बनती है। तो यह है कि जी हमारी सब्जी भी तैयार हो गई है और सब्जी से खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, ये चेक चेक कर लिया जी मैंने, ये देखो जी सारा कुछ गल गल गया और मज़े का हो गया। इसको आराम सुकून से इंजॉय करें अपनी मर्जी के साथ, जिस तरह से आपका दिल करता है, ये गर्म मसाला ऐड कर दिया एंड पे, एंड पे ज़रा खुशबू ज़रा और ज़्यादा अच्छी लगती है ना, तो इसके साथ चटनी शटनी और साथ में रोटी पराठा शराठा हो तो मज़ा आ जाता है जी इसका खाने का।